जी बनाइए। देखिए इस तरह का ये दलिया है, तो इसको मैं डालने वाली हूँ दूध के अंदर। जितना को उसने खाना उतना लिया, मैंने ज़्यादा नहीं लिया, क्या इजी से ताज़ा बना के दूंगी तो वो खा लेगा। इसको अच्छे से पकाती हूँ, 10 मिनट अच्छे से पकाती हूँ, इसने सही हो जाना, फूल जाना इसने। साढ़े जदों आए ना दुल्हन, तो फिर मुंडा गाना खोलता। अच्छा, तो कुड़ी ने खोलना मुंडे का। अच्छा अच्छा, ये फिर खोले दिते पांच छड़े। अच्छा अच्छा, ये मरियम का ते फिर सगात दा। अच्छा, ये की फ्रेंड ने फिर जब गाने ना वो भी जने घूमनी की भाई यार फिर मैं एक यादगिरी हो देखी यहां पे बने हुए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मैं स्वीटर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूं सब फ्रेंड्स ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, का रहा मेरा बेटा ठीक नहीं है, तो सभी ने मेरे बेटे रिहान के लिए भी दुआ करनी है। अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, उसको चर्च प्रॉब्लम हुई है तो जी आराम ही नहीं आ रहा। टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं और भी मजीद डॉक्टर ने बोला कि इनके टेस्ट वगैरह हो, इंजेक्शन भी लगे थे, और सभी ने दुआ करनी है अल्लाह पाक मेरा रिहान बेटा ठीक हो जाए। और मम्मा बड़ी टेंशन में आए कि रिहान ठीक नहीं है, तो सुबह रिहान काम लगे लेके गए हुए थे टेस्ट करवाने के लिए, तो अभी फिर थोड़ी देर तक फिर जाना है इसको चेकअप के लिए। तो अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे। नैला फरूक है, उसका भी मैसेज आया हुआ था कि मेरा नाम लेना, मेरे लिए दुआ करना, सभी से कहना। 6 साल हो गया वो अपने हस्बैंड से दूर है, उनके बच्चे भी, तो अल्लाह पाक उनको जल्दी मिला दे। तो उसके हस्बैंड उनको बुला रहे, अपने बच्चों को बुला रहे, उनको अपने पास बुला लें जहाँ भी वो रहते हैं। तो अल्लाह पाक सबकी दिल की मुराद पूरी करे। जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे, जो लोग बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शिफा दे। अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिशें मुरादें पूरी करे। जो लोग मुझे कहते हैं कि अभी मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह पाक मुझे प्यारा सा बेबी दे, जी ज़रूर, क्यों नहीं, अल्लाह पाक सबको दे। जिनकी नहीं है औलाद, अल्लाह पाक उनको औलाद दे प्यारी सी, गोलू मोलू जैसी। जिनकी औलाद नहीं है वो वही समझ सकते हैं जिनकी औलाद नहीं है। तो अल्लाह पाक जो बेटी की ख्वाहिश रखती है अल्लाह पाक उनको बेटी दे, जो बेटे की ख्वाहिश रखती है अल्लाह पाक उनको बेटा दे। अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे। तो मैं तो यही कहूँगी कि सभी ने मेरे रिहान के लिए भी दुआ करनी है। मैं बड़ी परेशान थी, रिहान ठीक नहीं है, रात में से प्रॉब्लम होती है, खांसी होती है, आराम नहीं आ रहा, तो बिल्कुल इसके डॉक्टर ने परहेज वगैरह खाने पीने का भी बताया तो वो मैं करूँगी। सुबह मैंने इसके लिए ना यखनी वगैरह बनाई थी कोई चिकन की, साथ में मैंने घर में रोटी बनाई, तो हल्का फुल्का सा इसने ना वो खाया थोड़ा सा खाना, तो चाय वगैरह नहीं है पीनी, चाय भी इसकी बंद है, बाहर की चीज़ सारी बंद है। तो सभी फ्रेंड्स बस दुआ करें, मेडिसिन वगैरह लेके आए खाई है, अभी मैंने इसको खाना वगैरह थोड़ा बहुत खिलाया, खा तो नहीं रहा था, मैंने कहा थोड़ा बहुत खाओगे तो पी रही है ना, तो खाए पिएगा तो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आज ना सिद्रा का भाई है, उसका भी ख़त्म है 40वें का, मैं और कामरान वहाँ जा रहे हैं, तो बस हो गया फिर रेडी। मैं बस कामरान को मेडिसिन वगैरह दे के ना तो फिर हम जाने वाले हैं, बस ये रिश्ते कामरान भी रेडी हो गया, बच्चे रेडी हो गए तो फिर चलते हैं। जी फिर यहाँ पर बना रही हूँ चाय बच्चों के लिए, बन गई है रिहान कहता है वो सुबह कहता मैंने चाय पीनी है, तो मम्मा उसके लिए बना रही है चाय, तो चाय गई है बन, तो उसको मैं डालने वाली हूँ कप में। उसने खाने हैं चाय रस, बिस्किट भी है लेकिन कहता मैं चाय रस खाऊँगा। तो चाय बन गई है, मैं रेडी थी, बस मैं जाने वाली हूँ, गोलू गया हुआ बाइक लेके अपना फैजान भाई के साथ, जब वो आता है तो फिर मैं जाती हूँ। वैसे लेट हो गया, उसका वेट ही कर रही हूँ, तो तब तक मैंने कहा चलो मैं बच्चों को चाय बना दूँ, ये चाय पी लेते हैं तो चलते हैं। ये देखें ये सारा कसूर कामरान का, इसने बाइक दी है उनको, तो हम लेट हो गए, नहीं तो हमने अभी पहुंच जाना था। जी फ्रेंड, यहाँ से हम ले रहे हैं फ्रूट वगैरह, सिद्रा के घर लेके जाना है यहाँ से, कामरान साहब ले रहे हैं, पानी पाल लिया है और यहाँ पे और जवानी फल कह करी और ये देख रहे कितना अच्छा ये बिल्कुल ये क्या खाओ नहीं नहीं तुम खाओ सिखाओ पहले बिल्कुल फ्रेश है और ताज़ा और प्यार हुआ हुआ मीठा और हस्मत भाई बड़े प्यार से खिला रहे हैं कामरा को माशा यहाँ पे ना अजमत भाई की शॉप से ना फ्रूट बड़ा अच्छा बड़ा ज़बरदस्त और फ्रेश होता है। फ्रेंड्स हम आए थे बजाड़ा यहाँ पे ना सिद्धा की पप्पू के घर, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था, तो मैंने इनकी ब्राइड भी रेडी की हुई थी, तो इनके घर आए हैं और माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है इनके घर में, माशाल्लाह हर तरह की सुविधा है और माशाल्लाह देखो कितनी खूबसूरत गांव है रबी लवर की। यहाँ पे राधा सिंह शकरगढ़ का ये देखे लोगों ने ना सजावटें की हुई हैं, सजाए हुए लाइटिंग वगैरह रबी लवर की सारी, ये देखे
कितने कितने प्यारे घर सजाए हुए हैं। हम आए थे छत पे तो इन्होंने ना मिट्टी के चूल्हे भी बनाए हुए हैं छत के ऊपर ना, जैसे कि होता है ना गांव में। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखो जी कितना अच्छा नज़र आ रहे होंगे। ये लोहा रखी हुई है यहाँ पे रोटियाँ बनाते हैं। तो ये देखिए मिट्टी का चूल्हा, जिन्होंने नहीं देखा वो भी देख ले इस तरह का। अच्छा बैठ के रोटी पका के खिला यार, तो छोड़ ये लो, ये तो बड़ा, यहां पे बड़ी बड़ी रोटी बनती है। ये देखिए इसके ऊपर है ना कितना प्यारा। और आपको दिखा रही हूँ ये गांव का कल्चर कितना अच्छा लगता है। ऊपर कच्चा मिट्टी का चूल्हा है, नीचे पक्का भी है, मगर बहुत प्यारा घर बना है। हर शहर की भी सहूलत है, गांव की भी सहूलत, हर चीज है, बहुत अच्छा लग रहा है। लो जी तुहानू नवी चीज एक और भी दिखाई। हाँ जी चावल निकलते कि खुशबू कितनी जबरदस्त है माशाल्लाह। इसमें अगर हमने बाजार से लेने हो ना तो हमें नहीं मिलेंगे, बहुत खूबसूरत और बहुत जबरदस्त है। और इनके घर के अपने चावल है, और देख लो माशाल्लाह कितने अच्छे चावल अपने हैं, और माशाल्लाह सर जी बहुत प्यार करने वाले हैं। अभी मैं अपने जी को घर दिखा के बहुत प्यारा बना हुआ है। हाँ जी ना ये देखिए, ये पता क्या है, ये मिट्टी के जब चूल्हे में रखती है ना। हाँ जी सर क्या है, गोबर अग बहुत जबरदस्त जलती है, और ए एक चीज हो सेक भी बड़ा जबरदस्त रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं कह रही थी आज कल लोग नहीं बना तो फिर घर में आई इधर बनाते हैं। लो जी आसमान मेरी का सुन है, मरियम आपी को की लैन आ गई तू। मरियम पता क्या, मरियम की जो आपी है, मरियम खुद और मरियम की जो सासू मैं ना वो बड़ा प्यार करती है मरियम के साथ, कहती है इनको गिफ्ट देगी भेजना अब। अच्छा तो ये जो चावल है ना हमें ये देगी, ये देखे। और मरियम का माशाल्लाह चैनल भी है, और मरियम के चैनल का नाम है मरियम खान जो अपने बालों की बहुत ज्यादा केयर करती हैं या अपने फेस की बहुत ज्यादा केयर करती हैं, तो मेरे जाके चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, जाके जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मरियम खान एस के जी नाम है मेरे चैनल ते। हाथ ते दिखांदे हो ना? हाँ जी हाँ। किड़ा हाथ है? ऐ हाथ है, देख लो किड़ा मरिया दस्यो आसो बढ़िया ते मरियम आपी दा बड़ा ही जिस तरह दी आसवा ना। और माशाल्लाह तो उस... को चैनल को सब्सक्राइब करना है, इनकी वीडियो को लाइक इनको सपोर्ट करना है। अभी इन्होंने न्यू चैनल बनाया है, इनको पता चलना चाहिए कि आसवा ने इनके चैनल को सब्सक्राइब करवाया है और सभी ने फॉलो किया, उनको पता चलना चाहिए कि आसवा ने जो कहा है वो करके भी दिखाया। और बहुत प्यारी बहन आया साड़ी और बहुत अच्छी है, और असी हुन जिस दिन चावल पकावांगे ना मरियम आपी दे ओ भी दसांगे ए भी चावल इन्हां दी अपनी जमीन दे फसल दे है, और खुशबू इन्हां दी इक लैदा है। और पप्पू ने बोला है कि जो मरियम कह रही है कि जब नए चावल आएंगे तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको गिफ्ट देंगे। हां जी तो वैसे आपको पता है कि तू पहले कुकिंग करवा रही है वो तो पता है, जो नए चावल होते हैं वो नए चावल ही होते हैं। हां जी ये देखे लो जी चावल वगैरह चावल पुप्पू जी ने डाले और माशाल्लाह बहुत बहुत जबरदस्त है। और पुप्पू जी चावल असि थोड़े मटर आले पका रहे, तुम अपनी भाई सुनाओ ना। तो एक गल है कि चावल साढ़े घर दे ना
छोटा वड्डा वड्डा माशाल्लाह जी बहुत अच्छा और बड़ा नीचे भी तुम थोड़ा दिखाने मरियम मापी ना उन्होंने घर दिखाने और गाँव के बहुत खूबसूरत है दिन का टाइम रात का मगर तुम दसने मरियम दिखा रहे तो और दूसरा रूम भी दिखाती हूँ बेडरूम इनका वो भी बड़ा प्यारा सेटअप किया हुआ ये लाहौर से आई नहीं है गाँव में हाँ जी ये देखे चार भाई है ना तो हम पूछते माशाल्लाह देखो जी पेटियां आसपास दी भी पेटियां दो पेटियां बड़ी आई कैसर दया कि ट्रंक आए थी माशाल्लाह मापी का ये समान देखो उन्होंने खोलिया नहीं क्योंकि उन्होंने को माशाल्लाह हर चीज है तो पुप्पो जी ने देखो ये चार भाई का स्टाइल जो आए ना दुल्हन तो फिर मुंडा गाना खोल दे अच्छा ते कुड़ी ने खोलना मुंडे दा अच्छा अच्छा ये फिर खोले इतने पांच छड़े अच्छा अच्छा ये मरियम दा ते फिर सगात दा अच्छा ये कि बिरयानी ने जब गाने ना वो भी जने घूमनी की भाई यार क्यों है एक यादगिरी होती है कि यहां पे बने वही होती है और मरियम अपी का कपड़ा जे बहुत खूबसूरत माशाल्लाह और देखो पेंटिंग डिजाइनिंग देखो ऊपर और बाहर और देखो माशाल्लाह पेंटिंग हुई दी जे और दिल दे विच तीर भी वजदा पर ओह मटाईता क्योंकि तीर वजन नहीं दिता सेटिंग हो गई तीर हो जे देखी के वजे और बहुत 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 खूबसूरत है माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत प्यार किया और बहुत अच्छा मरियम से बातें की उनकी जो अपुपो से बातें की बड़ा अच्छा लगा बहुत मजा आया आपने और सब तो बड़ी गल एक चीज़ तो दस दी है जी शायद तुम नोट नहीं की मरियम भैनों नू आसफा ने रेडी किया और लाहौरों शादी करके ना लैके आए थे शकरगढ़ से शकरगढ़ गाँव पहले मरियम मेरी वीडियो देखती थी तो उसकी जो सासू ने ना मुझे पहले हाल किया हुआ था उसको पता नहीं था कि मैंने इसको रेडी करना है जब उसको पता चला कि मैंने रेडी किया वो फिर कहती अच्छा भी मैं आपको देखती थी वीडियो में और आज आपको मैंने लाइव देख लिया ऐसी गाँव आए थे सीधे आप ही ने ना क्या इनवाइट के साथ हेलो हो के जाना है फिर मैंने कहा चले आदमी कर भी दिखाती हैं आपको और इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करवाती हैं और अब देखते हैं क्या करती है नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होती है चलते हैं जी फ्रेंड्स मरियम की ना औलाद नहीं है अभी छः मंथ हो गए शादी को तो सभी फ्रेंड्स ने सभी ने एक एक ने मरियम का नाम ले ले के ना मरियम के लिए दुआ करी है अल्लाह पाक उसकी प्यारी सी गोद भर दे और अल्लाह पाक जल्दी से गोदू मोदू जैसा बेटी दे बेटा दे जिंदगी का दोस्ती वाला दे सभी ने दुआ करनी है मरियम हाँ सभी आप सबकी दुआएँ चाहिए आप सबकी सपोर्ट चाहिए ये आस पास भी की चैनल की मैं बदौलत कह रही हूँ आप लोगों को और मुझे बहुत उम्मीद है इनकी फैमिली बहुत अच्छी है यूट्यूब और वैसे भी मरियम भैन ना बिल्कुल आसपा वांग दी लगती है हकीकत बात है कि तुझे कह ही नहीं सकते कि आदे हाँ बिल्कुल सेम सेम लग रही है और बिल्कुल हाथ भी देख ले फिर गोर नाल मैच करके देख लो हाथ भी मैच हो जाएंगे फिर करके दस दो आसपा देख लो दे लो एक जैसे है ना अंगूठियां भी उस तरह दी पी दी सबको कामयाब करे अल्लाह पाक जो जिन जिनके चैनल हैं तो अल्लाह पाक सबको सब्सक्राइब करो उनकी सबकी हो और सभी खुश रह पा रहे जल्दी से मोनेटाइज हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी फ्रेंड यहाँ से हम ले लेंगे पीनट हम अभी वहाँ से वापस आए हैं
ਮੈਂ ਕਾਮਰਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ ਯਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੀਨਟ ਸੋਚਾ ਚਲੇ ਪੀਨਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈ ਦੋ ਸ਼ਫਰ ਬਣਾ ਲੈ ਦੋ ਸੋਦੇ यहाँ पर देखिए मम्मा जी मेरा परांठा बना लिया हुआ है और साथ में मम्मा जी मेरा अंडा बनाने वाली है। अच्छा जी स्वागत कौन सा खाना खाते वाला मसाले वाला मसाले वाला और मिर्ची वाला। अच्छा जी ये देखिए जी जो सुबह जिस तरह का खाता है ना मम्मा उसी तरह का बनाने वाली है इसके साथ मुझे दो खाता हूँ दो खाता है दो बनाए और गोलू ने बोला कि मैंने खाना है प्याज वाला तो मम्मा उसके लिए प्याज वाला बनाएगी थोड़ी सी मैंने इसके लिए डाली है हल्दी और मिर्च और यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर मिक्स गरम मसाला और थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर नमक जिस तरह का सामान खाता था मामा उसी तरह का बनाएगी और यहाँ पे हम डाल देंगे ऑयल पैन के डाल देंगे ठीक है ना ऑयल हो गया और यहाँ पे हम करेंगे अच्छे से मिक्स ये देखो परांठा तो रेडी हो गया अंडा अभी दो मिनट में बल्कि एक मिनट में मारेगा फुल ऑयल हमारा गर्म होगा तो हम इसके अंदर डालते हैं अंडा और बनाते हैं और देखिए फ्रेंड मुझे बहुत अच्छी शगु और ये मम्मा जी ने मेरा अंडा बना अंदर डाल दिया हुआ है और वो मेरा बन रहा है। हाँ मेरे गोलू को सुबह को भी लगी है भूख और गोलू के लिए भी इसके बाद होगा कि आज इस तरह का गोलू बोलेगा आज मैंने इनको फ्राई नहीं बना के दिया मैंने कहा आज आप कुछ और बताए तो मैं बना देती हूँ। मैंने ना खाना बनाया था चिकन का और साथ में चिकन कैप का तो मैंने कहा वो भी साथ में ले लो कहते नहीं हमने वो नहीं खाना तो हमें ये वाला बना दो फिर मम्मा ने फिर के लिए ये बना दिया तो बड़ा अच्छा सा आमलेट बन गया सब सिंपल सा मज़ा भी आता है खाने का ना। हाँ जी वहाँ का पसंद है वैसे मेरा तो वहाँ का अच्छा बच्चा है हर मम्मा की बात मान लेता है तो इस समय जी ये करता है अपना अंडा जी फ्रेंड अंडा इज डन ये देखिए जी जो सुभान का अंडा रेडी हो गया और अब हम पूछते हैं गोले मोहल्ले से पूछते हैं कि गोले मोहल्ले ने किस तरह का खाना है तो उसके लिए बनाते हैं। यहाँ पे रेडी है यहाँ पे जाता है सुभान के पास वो यहाँ पे वेटिंग हो रहा है काके का मेरा हीरो ये ले जी सुभान का है अंडा परांठा फेवरेट है सुभान का अब खाएगा और मम्मा इसके लिए वाटर भी लेके आती है तब तक ये इंजॉय करता है तो मम्मा और परांठा बनाए जिस तरह यहाँ पे मैंने प्याज डाली से कटिंग किया है दो अंडे डाले हैं और यहाँ पे बन गया है परांठा मेरा गोले मोहल्ले का और जिस तरह ये देखें जखनी मेरी अच्छी मजे की बनाई है लेकिन बच्चे पता नहीं खाते नहीं हैं रिहान के लिए बनाया था मैं रिहान कुछ खाएगा थोड़ी बहुत रोटी खाएगा इसके साथ तो उसकी तबीयत अच्छी और ठीक हो जाएगी लेकिन मर्जी का मालिक है अभी कहता मम्मा मुझे भूख नहीं है तो रूम में लेटा हुआ है अपने तो बच्चों को रिहान को गोलू मोलू को सुबह को खाना खिला के ना तो फिर मैं ना रिहान को भी खिलाती हूँ उसको जगा के यहाँ पे मेरा सुभान तो मज़े से इंजॉय कर रहा है मेरा खा मेरा पुत्र खा सुभान जान थोड़ी देर के लिए गेम छोड़ रहा खाना का जी फ्रेंड सुभान को आया अंडा पसंद कहा मामा मुझे गोड़ बना के दो तो जी इसके लिए एक और अंडा जा रहा है इसके अंदर और गोलू के लिए बना था प्याज वाला और सुभान के लिए और बन रहा है यहाँ पे जी फ्रेंड यहाँ पे देखिए जी अंडा परांठा आया है ये जखनी रखी हुई है ये परांठा है ये गोलू अंडा गोलू साहब जी छोड़े खड़े खा लो मेरे सही से खाना खा लो अच्छे से और कामरान भी थोड़ी देर के लिए सो गया हुआ है तो रिहान वैसे ही मैं आई थी तो रिहान सो गया हुआ था तो मैंने जगाया नहीं है मैंने कहा उठेगा ना तो फिर उठ के ना फिर रिहान को मैं खाना वगैरह खिलाऊँगी तो इसलिए मैंने इसको जगाया नहीं तो यहाँ पर ये देखते हैं ट्राई करते हैं ये तो बच्चे खा नहीं रहे कहते पता नहीं मम्मा ये पता नहीं किस तरह का होना है तो मैंने कहा अच्छा है आप ट्राई तो करो इसको खा के तो ये मान ही नहीं रही लेकिन बड़ा अच्छा टेस्ट है इसका मैं खा के बताती हूँ रिहान सोया हुआ है उठेगा ना मैं इसको खिलाऊंगी अपने हाथों से रोटी बना के ना सादा तो उसको खिलाऊंगी। मैं यहाँ पे करने वाली हूँ फिश को मसाला लगा के इसको मैं करने वाली हूँ फ्राई तो इसको मसाले क्या क्या लगाने हैं आपको पता है फिर मैं आपको बताने लगी हूँ इसको मैंने सोया सॉस चिली सॉस विनीगर लगा लिया है सारा कुछ अच्छे से लगा लिया है यहाँ पे मेरे पास है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है थोड़ा सा मैं ये भी लगाऊंगी ये तीनों चीज़ें मिक्स है ओके हो गया
और यहाँ पे है मेरे पास हल्दी, जीरा, गरम मसाला, दादर मिर्च, नमक, अजवाइन और लाल मिर्च का पाउडर। इसको मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स। और यहाँ पे हम लगाने वाले हैं मसाला। बच्चों ने खाया है अंडा परांठा, और बच्चों ने बच्चे फिश नहीं खाते तो इसलिए जी ये देखिए जी अच्छा सा पेस्ट हमारा रेडी हो गया। और ये जो हमारा जो मसाला है जी हम इसको थोड़े से छिड़केंगे अच्छे से लगा के, इसको हम जब तक कामरान साहब सोए हुए हैं तो वो उठेंगे तो उसको हम इसको करते देंगे फ्राई। जिस तरह खाना होगा वो खा सकते हैं, इसको हम तवे पे बना सकते हैं, इसको हम जो है ना कढ़ाई में बना सकते हैं, ऑयल बेसन लगा के फ्राई कर सकते हैं, बेसन लगाने के बगैर फ्राई कर सकते हैं, ऐसे काफ़ी तरीके हैं। और ये हमारा मसाला बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त लग गया है सारा। इसको मैं क्या करूँगी, अच्छे से मैं इसको करूँगी मिक्स, किससे करूँगी इस तरह, ठीक है। अगर अच्छे से हाथों से मिक्स किया जाए ना तो वो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त मिक्स होता है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तेज़ मसाले करने की, मेरे पास मसाले ऑलरेडी रेडी हैं, सब कुछ इसके अंदर इस तरह मैं लगा दूँगी, तो मैं वैसे थोड़ा सा लाइट ही रखूँगी। फिश किसने खानी है? फिश वैसे मसाले लगा दी मैंने, कोई ना कोई आ जाता है कोई खाने वाला भी, कोई इधर उधर तो बंदा बना लेता है। देखिए सोया सॉस और चिली सॉस का ये पानी है ना, जिस तरह मसाला वगैरह इसके अंदर ये लगा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त रेडी हो गया। अगर हमें इसको तेज़ करना चाहिए तो हम इसको तेज़ भी कर सकते हैं इस तरह। ये हमारा जो पेस्ट मसाला बना हुआ ये खाया नहीं जाएगा, तो इस तरह ये देखिए लगा लिया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। देखिए एक एक पीस को ये देखिए ऐसी तरह मसाला चिपक गया, बड़ा अच्छे से हो गया। तो हम थोड़ा से रखेंगे जब तक उठते हैं कामरान साहब, तो हम उनके लिए करेंगे फ्राई जब वो बोलेंगे। देखिए हमारे मसाले रेडी हैं, तो ये देख सकते हैं हम बहुत अच्छे मज़े के मसाले इज रेडी। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट जो काम करने वाला है ना, तो उसकी जरूरत चलते हैं, तब तक अपने हैंड वॉश करेंगे, काम खत्म करें। ये मेरी मेडिसिन निकाली है सुबह ने, सुबह मामा को मेडिसिन दे रहा है। चलो जी फ्रेंड्स मेडिसिन खा ले। तो यहाँ पर कामरान साहब सोए हुए हैं, अभी तक नहीं उठ रहे, तो ये नहीं उठ रहे तो मुझे भी नींद आना शुरू हो गया। तो मैंने पता क्या करना है, आराम सुन से मैंने व्लॉग की पूरी ही तैयारी करके एंड करके, तो मैंने भी सो जाना बस मैं वेट कर रही हूँ कि कब उठे और ये मैं खा लूँ मेडिसिन। जी फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ रूम में, और यहाँ पे मैं सुबह यहाँ पे लेटा हुआ, मैं दूसरे रूम में थी, नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो सोया हुआ तो मैं कहा देखूँ सही, कुछ खा नहीं रहा पी नहीं रहा, तो कुछ पूछूँ इसे क्या खाना है, इसका क्या दिल है, तो वही बना के दूँ। रोटी भी नहीं खा रहा, रखनी बनाई थी मैंने ना चिकन की, जख्मी नहीं थी, मैंने कहा चलो वो खाएगा, लेकिन वो भी नहीं खा रहा, तो मुझे बताएगा तो हाँ मम्मा बना के देती है वो खा रही है। और सभी ने दुआ करनी है रिहान के लिए, ना पाप जल्दी से सेहत में याद कर दे, बीमार होता नहीं है, अगर हुआ तो मुझे बड़ी इसकी टेंशन है, बड़ी फिक्र है, खाने पीने वाला बच्चा है और ना कुछ कहे, मम्मा को बड़ी टेंशन होती है कि बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, तो क्या खाना है, दलिया बना दूँ। चलो फ्रेंड्स मैं इसके लिए दलिया बनाती हूँ, तो फिर थोड़ा बहुत खाएगा तो फिर उठेगा। तो सभी ने मेरे प्यारे फ्रेंड्स ने मेरे बेटे के लिए दुआ करनी है, अल्लाह पाक सेहत दे इसको, तंदुरुस्ती दे, ठीक नहीं है तो उसके टेस्ट भी करवाने हैं, करवाए थे आप हमारे गेट भी थे, तो आज भी करवाए थे, वो भी उन्होंने लिखे दिए हुए हैं, वो भी करवाएंगे। तो यहाँ से कोई चेस्ट प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं पता, तो ये कि मेडिसिन वगैरह खाएगा तो इन शाला जल्दी ठीक हो जाएगा, बस आपने दुआ करनी है मेरा ध्यान जल्दी से ठीक हो जाए बस। ये फ्रेंड यहाँ के लिए बनाने लगी हूँ दलिया, और यहाँ पे डालती हूँ दूध, इसको बना के देती हूँ अच्छे वाला मज़े का दूध डाल के ना दलिया, ये खाएगा इसको मज़ा आएगा तो खुश हो जाएगा। बनाती हूँ दूध को करती हूँ बॉयल, ये मैंने पैकेट से निकाला है ये दलिया, और ये बहुत आसानी से बन जाता है, इसका सिर्फ दूध का जो बॉयल आना है, तो इसके अंदर साथ में चीनी वगैरह हमने ऐड कर देनी है, चीनी वगैरह ऐड करके साथ ही इसके ऊपर इसके अंदर ये डाल देंगे हम, बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाना है। चीनी वगैरह डाल के ना इसके अंदर, तो मैं कहीं कुछ खाए थोड़ा बहुत कुछ खाएगा इसके अंदर, कुछ खुराक जाएगी तो सही होगा ना, ये है कि ये बड़ी आसानी से 5-10 मिनट में बन जाना है। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे बॉयल आता है ना इसके अंदर डालते हैं जी। फ्राई देखिए इस तरह का ये दलिया है, तो इसको मैं डालने वाली हूँ दूध के अंदर, जितना उसने खाना उतना लिया, मैंने ज़्यादा नहीं लिया, क्या इजी से ताज़ा ताज़ा बना के दूंगी तो वो खा लेगा। इसको अच्छे से पकाती हूँ, 10 मिनट अच्छे से पकाती हूँ, इसने सही हो जाना, फूल जाना इसमें।
इतना अच्छे से हो गया, इसको ज़रा अच्छे से पकाऊंगी, 5-10 मिनट और 5 मिनट और बनाते हैं। इसकी मैंने आँच भी कम कर दी है, ये बहुत ही अच्छे से और जल्दी से बन जाता है। एक तो इतना कनक का, दूसरा ये वाला डिब्बे वाला होता है, ये जल्दी बन जाता है, ये बनाती हूँ इसके लिए, बहुत जल्दी बन गया माशाल्लाह से। ये देखिए जी दलिया रेडी हो गया, चूल्हा मैंने बंद कर दिया, देख सकते इस तरह का दलिया, ये देखिए इसको अच्छे से 10-15 मिनट मैंने पकाया, ज़रा अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, ज़बरदस्त ये बन गया। मेरे हाथों खिलाती हूँ अभी ठंडा करके, बहुत सोना और बहुत बढ़िया बना, हाँ बड़ा अच्छा बना, मैंने कहा ये वाला ना डिब्बे वाला बनाया है जल्दी बन जाता है, तो ये इसको मैं खिलाती हूँ। माँ कहता मैंने कुछ नहीं खाना, तो मैंने कहा कुछ बना के देती हूँ दलिया वगैरह में, खाएगा ना थोड़ा थोड़ा तो सही हो जाएगा, इसके लिए भी मैडम बनाया मैंने इस तरह का, तो इसको खिलाती हूँ मैं। पानी नहीं मैंने डाला, दूध दूध में बनाया अच्छे से बनाया, इसको खिलाती हूँ चार जगह में। हाँ अतिया अतिया गुमखार पूछ रही थी, यूनस गुमखार कह रही थी कि क्या हाल है रेहान का, तो मेरी भी उससे बात हुई है, आज उनकी एनिवर्सरी है, तो रेहान का पूछ रही थी लबा रेहान को से दे अभी तली ये चीज़ें बंद कर दो, मैं कहा हाँ वो तो पहले भी इतनी तरह से खाता यहाँ स्पॉन्सर्स वगैरह नहीं तो मैं नहीं खाता, तो ये कि वो कह रही थी कि नहीं तेरे पिज़्ज़ा खाया था ना लास्ट टाइम, जिस दिन पिज़्ज़ा वो खाया था शवरमा, उस दिन पूरी खराब हुई है ज़्यादा, तो उस दिन की हुई थी पूरी खराब, लास्ट टाइम भी उनसे हाँ जी शवरमा नहीं सही होता, लेकिन ये वो परहेज करेगा, तो सभी फ्रेंड्स ने ना अतिया जो है ना यूनस घुमकार आज उनकी एनिवर्सरी है, तो अल्लाह पाक उनको खुश रखे, बात रखिये, साथ सत्ता रखे दोनों, और बहुत प्यारी बहन है और बहुत अच्छा माशाल्लाह, हर कमेंट्स बहुत ज्यादा कमेंट्स करते हैं, और जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे ने विश करनी है, और बहुत 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 अच्छी बहन है, मुबारक अल्लाह पाक उनको प्यारा सा गोलू मोल जैसा बेटा दे, वैसे मैंने उनकी फाल निकाली थी तो उनका माशाल्लाह बेटा ही आ रहा है, बहुत प्यारा सा गोल मोल सा, तो इंशाल्लाह जी अल्लाह पाक जरूर दे और जल्दी दे इंशाल्लाह, ठीक है जबरदस्त। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सुनिश्चित दादी नींद ही नहीं आती है ना, अभी तो सो के उठ के फिर सो गया सी, सिद्धरा दे हो गया, मैं बैठी थी कमरे के पास के, चलो सिद्धरा दे गांव चो आया तो मैं तो लहरा मुंतनीद बोल रहा है, जेंट्स को कौन से काम होते हैं, लेडीज का के काम आ आगे बहुत ज्यादा बच्चा ने खिलाड़े डाले थे सी, तो आसान फिर चुकने पे, तो मैं तो सो गया, मैं अखा बंद कर लो जब मैं भी कोई काम कह दिता ना, आई आराम से उठ के ना अंदर चले गए, तो पता है बाहर बड़े काम करने वाले हैं, हाँ जी तो चुपके से जाके ना केस उस मार लो, नहीं नींद बड़ी आई इसमें, हाँ सो गए थे, मैं भी बच्चों को खाना वाना खिलाती रही, मेरे काम तो जाहिर करने वाले वो किए, मावा जड़ी ना उन्होंने जिम्मेदारी होंगी ज्यादा, और उन्होंने अल्लाह तला ने ना ताकत भी ज्यादा दी होंगी, असी फोसड़ तो तू बहादुर, और जहाँ पर मैं फिशर को मसाला लगा दिया और मुझे पता है सामने उठना है, और मैंने पूछा कि क्या खाना है, तो मैंने कहा कि यार देखो जी फ्रेंड्स मकड़ी कैसी वीडियो दे आ रही थी, मसाला लग गया माशाल्लाह जी, मसाला लगा के रख लिया, कर लिया तो फ्राई बस, फिर हम काम नहीं कर लिया, मेरा ही नाल ही जा रही है, खुद नहीं खानी तो नहीं, क्यों मैं भूखी नहीं है, तो फिर मेरे कल्ले बंदा किस तरह खा सकता है, यहाँ पे जो है ना सुबह की मैं काके सोई नहीं हूँ, उसमान बैठी घर से सुबह आए थे हम, नींद नहीं पूरी हुई तो सोए भी नहीं, बिल्कुल भी सोके भी नहीं देखा, कस्टमर आ गए सुबह सुबह चले था, पार्लर बंद था घर वाले पार्लर में आ गए, तो फिर मैंने कहा चलो उनका काम कर लेते हैं, मैंने कहा था कल आगे करवा लेना, क्या रोटियाँ नहीं है किधर ले पका रहे हो, तो ना मैं आटा पटना पड़ा रहना भी इसलिए पका रही थी, मेरे ना जो खानी नहीं तो फिर किस तरह पकानी है, किन्ने खानी है, खा लो फिर
हाँ मैं तो एक रोटी खावांगा वे नाल ही खानी है फिर तुम थोड़ी जिन्हें मैंने इसलिए बनाई है मैंने कहा फिर ये पड़ी रहनी है हाँ तो फिर कोई गल नहीं फिर टेंट चरा लांगे आटा खत्म किया सारा काम खत्म हो गया यहाँ पे जो थोड़ी सी इसके अंदर डालते हैं नमक देखो किस तरह का डिजाइन लग रहा है इधर देखो ना तो रोटी दोते फ्रेंड्स डिजाइनिंग देखो बनी थी की पता नहीं लिखे तो नजर आ रहा हूँ कुछ नहीं है ना पढ़ो तो फिर बड़ा कुछ आई ना ऐसे लग रहा है कुछ भी नहीं है रोटी वाइट है बस आपकी पसंद की लो जी फिश फ्राई होंगी फिर देखने ये था यहाँ पे दो पीस डाले मैंने और ऑयल गर्म फूल हमारा मेरी स्किन लग जाएगा और आँच हमारी बिल्कुल तेज़ है फिलहाल तेज़ है बाद में हम इसको कम करेंगे अभी फूल तेज है मैंने बिल्कुल तेज़ है मैंने डाला पीस दो पीस डाले मैंने और पहले ये डाला था इस तरह ये हो रहा है ये भी हो गया जो फूल ऑयल में बड़ी अच्छी बनती है इसी तरह दूसरा भी बिटा देंगे बंकरा बेच करके मैं आपको बिठाती हूँ अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी हुई है फिर बड़े पीस के ना इसका बड़ा टाइम लगा था ये अच्छे से निकाल लिया ये देखिए और यहाँ पे जाइए हरी मिर्च मिर्च बड़ी खोल गई वाली अच्छा डाल दिया यहाँ पे रेडी हो रही है फिश जबरदस्त कलर रोटी भी बन गई है पैच भी रेडी है और यहाँ पे सारा कुछ रेडी हो गया यहाँ पे मिर्च भी हो गई है बड़ी क्रिस्पी बनी है देखा ना पतला बेसन जितना रखेंगे इतनी खस्ता बनेगी जबरदस्त हो गई है मजे की जी फ्रेंड्स खाना इज़ रेडी फिश हो रखी क्रिस्पी बनी है कितनी अच्छी और ज़बरदस्त रेडी हो गया और कामरा साहब खाना खाने वाले हैं और बड़ी मिर्चे गर्म है और साथ में मैं भी खाने वाली हूँ उनके साथ क्योंकि ये कहते हैं मैंने अकेले नहीं खाना तो इसी साथ भी हाँ जी मैं भी खाती हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त और मिर्चे की जो खुशबू है ना जो हरी मिर्चें कड़वी कड़वी हैं उसकी खुशबू भी आ रही है बहुत ज़बरदस्त जरा जी खाते हैं खाना चाय इज रेडी फ्रेंड्स हम पीने वाले हैं चाय आप लोगों को मैंने खिला दिया था खाना वगैरह अब यहाँ पे बनने वाली है चाय फ्रेंड्स ऐसा नहीं पीनी होती है चाय ये ऊपर वाली चाय है ना इसको भूननी नहीं है इसको क्योंकि इसके अंदर ना दूध आए मनु किन्ने याद किया दूध में बत्ती और ये ऊपर वाली मिलाई मैं ना अगर रोक लेंदा तो फिर आसा दी गल आई नहीं और ऐ जेड़ा स्टाइल है ना वो मेरे आली ना ना सुटो यार नहीं नहीं यार इसे प्लस मजेदार डेकोरेशन है हमारी चाय हो गया आज बच्चे कहते हमने नहीं पीनी तो फिर उन्होंने वो अपने रूम में ही बैठे हुए हैं तो हम जूझे बैठ के पीते हैं आराम से चाय आज पानी ठंडा हो गया सही है।
तो जिस तरह यहाँ पे हम पीते हैं चाय और करते हैं इंजॉय, तो मैं देखूँ कि किसी से कमेंट आया है तो कुछ कहा तो नहीं, मुझे कमेंट नहीं तो कमेंट करते हैं जी। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा सबान आ गया और सभी फ्रेंड्स के लिए लव यू हो गया, तो जो हम इतना प्यार करते हैं इतने कमेंट करते हैं आज की एक्टिविटी के लिए यहाँ तक। सुबह इंशाल्लाह नई गुड मॉर्निंग के साथ आपको मिलेंगे। अगर आपको आज की एक्टिविटी अच्छी लगी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, बेल लाइक के बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि तमाम हमारी वीडियो आपके पास आती रहे। इसी के साथ सभी फ्रेंड्स के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, सब्सक्राइब भी कर देना, ये बाय 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 बाय।